अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मोमनाली चैनल। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर, और आज की जो वीडियो है वो है हमारी प्यारी सी अनमोल से रिलेटेड, क्योंकि अनमोल को और मुझे किसी ने इनवाइट किया हुआ है। स्पेशली अनमोल को इनवाइट किया गया है, और किस लिए इनवाइट किया गया और कहाँ पर इन्वाइट किया गया है वो है जी एक डे केयर नर्सरी सेंटर है, प्लस वो है प्री स्कूल। तो उन्होंने स्पेशल हमें इनवाइट किया कि अनमोल को आप वहाँ पर लेकर आएँ, विज़िट करवाएँ आके। तो मैंने सोचा कि चलें देखते हैं, वहाँ पर विज़िट करते हैं अनमोल के स्कूल, जाने से पहले उसको प्री स्कूल में एडमिशन वगैरह, एडमिशन नहीं कहेंगे लेकिन अभी विज़िट करने जाना है कि प्री स्कूल में भी होना चाहिए अनमोल को, मतलब सारी एक्टिविटीज जो भी होगा। लेकिन तो जी ज़्यादा मुझे अभी कुछ नहीं पता, मैंने तो बस विज़िट करने जाना है और उनसे पूछूंगी, फिर वो आपको भी गाइड करेंगी जो भी वहाँ पे ओनर होंगी कि वहाँ पे क्या क्या होता है। तो बस जी अब सुबह का टाइम है, अनमोल हमारी सोई हुई है। सबसे पहले हम अनमोल को उठाते हैं और उसको बताते हैं कि अनमोल ने आज कहाँ पर जाना है। हाय अनमोल, आप उठ चुकी हैं? अस्सलाम वालेकुम कर दो। अस्सलाम वालेकुम, अनमोल की मॉर्निंग हो गई है। तो अनमोल, आपको पता है आज आपको किसने इनवाइट किया, आज हमने कहाँ पे जाना है? नहीं पता आपको? चलो मैं बताती हूँ, आज आपको किसी ने स्पेशल इनवाइट किया हुआ है प्री स्कूल के लिए। आप कहती हो ना मैंने स्कूल जाना है, स्कूल जाना है, तो स्कूल से पहले आपको कहीं और हम एडमिशन करवाएंगे, वहाँ पे आप अच्छी तरह से पढ़ेंगी, है ना। वैसे तो अनमोल को माशाल्लाह से सब कुछ आता है, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि अनमोल को विज़िट करवाते हैं वहाँ पे, ताकि अनमोल को पता चले कि मामा के बगैर भी कहीं जाना है, पढ़ना है मैंने, है ना। चलें फिर उठ जाएं, आप सबसे पहले ब्रश करें, ब्रेकफास्ट करें, फिर रेडी होकर हम जाएंगे, ठीक है। चलें जी उठ जाएं। तो यहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट में अनमोल के लिए बना रही हूँ फ्रेंच टोस्ट, जो अनमोल को बहुत पसंद है, है ना अनमोल, आपको अच्छे लगते हैं ना फ्रेंच टोस्ट जी। चलें मैं ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ, फिर आपके लिए लेके आती हूँ, ठीक है। ओके, ये लें अनमोल आपका ब्रेकफास्ट, खाएं अब। ये मम्मा का भी है और अनमोल का भी है ना, दोनों दोनों खाते हैं, ठीक है। हाँ जी अनमोल, कैसा बना? अच्छा बना, यमी यमी है। चलें ठीक है, आप खाएं, उसके बाद फिर हम रेडी होते हैं, ठीक है। चुकू लाएंगे। ओके, मैंने बेचार्ज करके मैं पानी पी ली। ओके, चाय नहीं पीनी? लेके आऊँ? ओके चलें जी, मैं तो रेडी हो चुकी हूँ और यहाँ पर हमारी अनमोल भी रेडी है जाने के लिए। अनमोल आप एक्साइटेड हैं जाने के लिए? मेरे प्यारे मम्मा पापा मेरे स्कूल छोड़ने जाने हैं। हम छोड़ के आ जाएंगे आपको, और यहाँ पर अली भी है। अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ जाएंगी हमारी आयशा, हमेशा की तरह। ये देखें जी अनमोल कितनी खुश है, आयशा के साथ बैठ गई है। देखते हैं अनमोल का रिएक्शन कैसा होता है वहाँ पे जाके। स्कूल में बच्चा, वो स्कूल नहीं है, कुछ और है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं, ये ऊपर आपको नजर आ रहा होगा किड्स होम, और यहाँ पर अनमोल है। चलिए अनमोल अंदर है। चले आ जाए, आए आयशा। तो यहाँ किड्स होम में सब कुछ, हाँ जी देखे सब कुछ लिखा हुआ है। अब चलते हैं ऊपर जाके देखते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं उसी प्लेस पर जहां पर अनमोल को स्पेशल इनवाइट किया गया था। तो अनमोल आपने देखी है? तो ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ कितनी प्यारी उन्होंने पूरी प्लेस बनाई है बच्चों के लिए, परफेक्ट। ये देखें ये सिटिंग एरिया, सारी लर्निंग वगैरह करेंगे, हर चीज परफेक्ट है। अनमोल यहाँ पे आएंगी? हाँ। मामा आपको यहाँ छोड़ के जाए? नहीं नहीं, किसी छोड़ के नहीं जाना। तो ये देखें कितना खूबसूरत है इन्होंने ऐसे डेकोरेट सारा किया है बच्चों के लिए। तो मैं आपको उनकी ओनर से भी मिलवाती हूँ, फिर आपको वो सारा गाइड करेंगे। तो अब मैं आपको मिलवाती हूँ इस सेंटर की ओनर से, मिस सना से। अस्सलाम वालेकुम। तो आज आप बताएं अपने मतलब सेंटर के बारे में, प्री स्कूल के बारे में, कि किस तरह से ये है, गाइड करें आप सबको। अच्छा, ये हमारा बहरिया टाउन में है, जैस्मीन मॉल के बिल्कुल करीब है। तो इसमें ये होता है कि हमारे पास प्रॉपर एक डे केयर की फैसिलिटी है और प्री स्कूलिंग भी है। डे केयर में बच्चे होते हैं हमारे पास वन ईयर प्लस और लेस देन वन ईयर, और
टू ईयर तक ना, उसमें ये होता है कि जितनी भी हमारी एक्टिविटीज होती हैं वो छोटे बच्चों के अकॉर्डिंग होती हैं, और जो अनमोल की एज के बच्चे होते हैं 3 ईयर्स 3 प्लस ईयर 4 ईयर तक और इवन दो 5 ईयर तक, 3 प्लस ईयर में हमारे पास पूरा प्ले ग्रुप का सिलेबस होता है जो हम कवर कराते हैं और डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं हमारी, और इसके अलावा आर्ट की क्लासेस होती हैं हमारी, और हमारे पास एक डॉक्टर भी होती हैं जो कि न्यूरोलॉजिस्ट हैं और थेरेपिस्ट भी हैं। कुछ बच्चों को ये है कि बोलने का इशू होता है, आपने देखा होगा कि यहाँ पे कोरोना में बच्चे घरों में रह रहे हैं या वैसे भी कुछ बच्चों का इंटरेक्शन नहीं होता बाहर, जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो प्रोनाउंस नहीं होते, जैसे अनमोल है ये घर में अभी एक ही है, आप माशाल्लाह सब बड़े हैं ये छोटी सी है एक ही है, तो कुछ बच्चों को ये भी प्रॉब्लम होती है कि ऑब्वियसली जो बच्चा अपनी एज के बच्चों के साथ सीखता है या एक्टिविटीज करता है वो बड़ों के साथ कभी भी रिलैक्स होकर नहीं कर सकता ना, तो इसलिए हमारे पास एक डॉक्टर भी होती है प्रॉपर जो बच्चों की थेरेपी भी करती है जिन बच्चों को बोलने का इशू होता है, या कुछ बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, मतलब आपने देखा होगा कि भाग भाग के वो चीज़ों को पकड़ना और ये वो, कुछ बच्चों में ये चीज़ें होती हैं तो उनको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करती हैं जी। तो बस काफी अच्छा इन्होंने गाइड किया है, होप कि आपको भी समझ आया होगा। तो अगर आप लोग भी अनमोल के एज या उससे भी कम एज में अगर आप लोग एडमिशन करवाना चाहते हैं तो आए किड्स होम के नेम से है डे केयर प्लस प्री स्कूल, तो मैं अनमोल का एडमिशन भी करवाऊंगी, अभी तो आज मैं विजिट करने आई थी, इंफॉर्मेशन वगैरह लेने आई थी, तो बहुत जल्द मैं अनमोल का एडमिशन करवाने आऊंगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह। कैसा लगा? मुझे तो बहुत पसंद आया है, बहुत अच्छा लगा मुझे तो अनमोल। आपको अच्छा लगे? हाँ। आप आएंगी यहाँ पे? हाँ। आएंगी ना, पढ़ा करेंगी ना? पढ़ेंगी दी अनमोल। अब अनमोल ऐसा है कि बच्चों में पढ़ेगी फिर ज्यादा शौक से पढ़ेगी ना, तो माशाल्लाह से अनमोल हमारी बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत जल्दी पिक कर लेती है हर चीज को, तो इंशाल्लाह इसका एडमिशन बहुत जल्द हम करवाएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह। तो आप ये भी बता दें कि एडमिशन कब से स्टार्ट हो रही है? एडमिशन्स हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, अभी स्टार्ट ही है हमारे एडमिशन, और कुछ बच्चे हमारे पास आ भी रहे हैं और कुछ इंशाल्लाह हमें फर्स्ट से ज्वाइन कर रहे हैं, और उसमें ये है कि मतलब हमारे पास स्लॉट्स भी अवेलेबल होती हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे पास मॉर्निंग स्लॉट के हैं, हम इवनिंग स्लॉट भी ऑफर करते हैं लेकिन वो लोग ज़्यादा फर्स्ट जो मॉर्निंग स्लॉट होती है उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। कितने बजे मॉर्निंग में? 9 to 1 or 2 o'clock। तो आपको इस टाइम अभी बच्चे जल्दी नहीं आ रहे होंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया, 3 से ऊपर ही टाइम हो गया, 3 से ऊपर हो गया, तो कह रही थी कि बच्चे आए हैं, तो आप अगर किसी ने कॉन्टैक्ट करना है तो आप बता दें किस तरह कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये देखें जी, इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उनको, तो ऊपर आपको मेंशन हो रहा होगा नंबर, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। हमारा एक यूट्यूब भी है जिसपे हम बच्चों की वीडियोस या अपने ये सेटअप की वीडियोस और जैसे इनको हम सारा हमने डिकोड किया सारा यूट्यूब पर भी आपने बताया जी। वो किसी नाम से? वो सना इम्तियाज के नाम से। सना इम्तियाज के नाम से है जी यूट्यूब पे इनका है चैनल, उस पर भी सब कुछ बताते हैं, तो वहाँ पे भी जाके आप लोग देख सकते हैं। जो YouTube पे हमारा चैनल है उस पर हम प्रॉपर हमने जो इसका सारा सेटअप किया हुआ है और क्या क्या चीज़ें, ये जितने भी हमारे पास टॉयज़ हैं ये एक्चुअली एक्टिविटीज़ बेस्ड हैं, सारा सबके साथ एक्टिविटीज़ होती है, आप कैसे अपने बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं टॉयज़ के अकॉर्डिंग, और वैसे भी कैसे आप बच्चों को छोटी एज के बच्चों को टैकल कर सकते हैं या इनकी जो ग्रूमिंग है वो कैसे कर सकते हैं एक बेस्ट वे। चलिए ठीक है, मुझे तो बहुत पसंद आया है, तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आऊँगी, नेक्स्ट टाइम एडमिशन करवाऊँगी इंशाल्लाह न्यू ईयर का। तो बस फिर चलते हैं, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आप किस कर दो, आप आइए ना। थैंक यू। चलिए ठीक हो गया, अब हम जा रहे हैं घर। ठीक है अनमोल, झूले भी अरे झूले हम शाम को आएंगे लेने, ठीक है, जब धूप खत्म हो जाएगी। तो अली जगह पसंद आ गई है मुझे। अच्छा। तो अब आपसे घर जाके मशवरा वगैरह करते हैं, सबसे मशवरा करते हैं, तो फिर इंशाल्लाह अनमोल को एडमिशन करवाएंगे। आयशा आपको कैसी लगी है? फाइनली अनमोल का प्री स्कूल स्टार्ट हम करवा देंगे, बहुत बातें सुननी पड़ी है, स्कूल दाखिल करवाओ ये करवाओ, तो अच्छी लगी आपको जगह? हाँ ठीक है। हाँ जी, बहुत जल्द इंशाल्लाह हम करवाएंगे अनमोल को एडमिशन। चलें जी, अब हम लोग घर भी आ चुके हैं और शाम हो गई है और अनमोल ने जिद की हुई है कि मैंने बाहर जाना है, तो आज अनमोल से पूछते हैं, अनमोल आपने कहाँ जाना है बताएं? मैं साइकिल से जाना है।
फ्राई चिक्स जाना है, अनमोल है, तकरीबन एक महीना हो गया जिद कर रही है मुझे फ्राई चिक्स जाना। तो लास्ट टाइम आयशा ने भी लेके जाना था अनमोल को फ्राई चिक्स, लेकिन आयशा जा नहीं सकी थी, तो आयशा कहती जाती थी कू मुझे ले जाओ, कू मुझे ले जाओ। तो आज मैंने सोचा कि अनमोल की ये ख्वाहिश पूरी कर दी जाए फ्राई चिक्स। अनमोल ने क्या करना है वहां जाके? जाके मैं पप्पा चाय देनी है और मैंने बर्गर खाना है और चाय खानी। ओके, अनमोल ने स्लाइड लेनी है जी पर्पल। तो मैंने सोचा कि बच्ची इतने दिनों से जिद कर रही है, उसकी ख्वाहिश पूरी करें। तो चले फिर अनमोल, चले आए चलते हैं। और यहाँ पर अली भी है। अस्सलाम वालेकुम, बार बार अस्सलाम वालेकुम। चले कोई बात नहीं, सलाम करना अच्छी बात होती है, जितनी बार मर्जी करो। चले आए चलते हैं, आ जाए। तो हम लोग पहुंच चुके हैं और ये अनमोल बैठी है। अनमोल आपने क्या खाना है बताओ? पहले मैंने चाय पी। स्लाइड लेनी तो खाना क्या है तो बताओ? फ्राइज खाने चले। ठीक है, अनमोल के लिए हम फ्राइज ऑर्डर करते हैं, तब तक अनमोल झूले लेती है। ठीक है चलो आ जाओ, चलो स्लाइड लेते हैं, आ जाओ चलो। ये नहीं लेना, लेनी है? जाओ ध्यान से जाना, जाओ जाओ। अनमोल मैडम यहाँ पे खा रही हैं फ्राइज और नगेट्स, बस है ना, और कुछ नहीं खाना आपने? चलो जल्दी से खाओ। अनमोल अब हैप्पी है ना? ओके, फाइनली स्लाइड ली है, बहुत ज्यादा बोलो बहुत ज्यादा एंजॉय किया, रोज आओगी? पापा को कहो मैं डेली आऊंगी। पापा तो थक जाएंगे आपके, है ना? मैं लाऊंगी, चलो सही है। आप थक जाती होती हो गोदी में? पैदल बहुत दूर है। तो अब हम आए हैं ओपीटीपी पे, अली आयशा और मैं, क्योंकि अनमोल को फ्राई चिक्स पसंद था, अनमोल ने फ्राई चिक्स से खा लिया, उसने झूले लेने थे, बस लाइट्स लेके आ गई है, वो साथ खा के आ गई है। और जो हमारे अली मियाँ हैं ना, उनको ओपीटीपी का बर्गर पसंद था, तो कहते मैंने फ्राई चिक्स से कुछ नहीं खाना, ओपीटीपी खाना कुछ तो पसंद है, ऐसे भी पसंद नहीं आजकल, हाँ कुछ भी नहीं पसंद। तो हमने सोचा हम भी फिर ओपीटीपी से खा लेंगे, है ना ईशा? पता नहीं आजकल ओपीटीपी पे लगता है, हम देखते हैं क्या होता है, इसलिए हम लोग इधर आ गए हैं, देखें इधर खेलने लाते हैं। तो बर्गर्स हमारे आ चुके हैं, अली खा रहे हैं, आयशा कॉल पे है, तो आयशा अपना बर्गर ले लें, ये मैं चले, अब हम खाते हैं, इंजॉय करते हैं। अनमोल यहाँ पे ड्रिंक पी रही है, फ्राइज खाने हैं? खाओ चलो, कैचअप डाल के दूँ? चलो मैं देती हूँ। चले जी अब हम जा रहे हैं घर, और आयशा यहाँ हवा ले रही हैं, अब घर चलते हैं और फिर देखते हैं क्या करती है अनमोल। और आज आमना भी आएगी, आयत के साथ खेलेगी अनमोल, देखते हैं अनमोल और आयत कैसे खेलती हैं, चलिए आए चलते हैं। अब जी यहाँ पर अनमोल खेल रही है अपनी छोटी बहन आयत के साथ। हाय, 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 क्या खेल रहे हो आप? टॉयज के साथ खेल रहे हो दोनों? अनमोल आप ही डेली आयत को खिलाती है अपने टॉयज के साथ, है ना अनमोल? खुश होती है, खेलती है ना? चलो खिलाओ उसको, आप आयत के लिए खाना पकाओगी? हाँ। चलो पकाओ। आयत बेबी, बेबी खाना पकाती है। आयत बेबी मस्त हो गई अपने टॉयज में, है ना? हाँ। वो देखो देख ही नहीं रही। आज बहुत प्यारी लगी। आयत आयत आयत
ब्लेदर ना खिलाओगी आयत को? आयत इधर देखो, आयत आयत बेबी। चलो ठीक है, आप आयत का खाना पकाओ। ठीक है आयत, अनमोला पी आपका खाना पकाएगी। आयत आयत बहुत बिजी है अपने टॉयज में, है ना? चलो खेलो फिर, इंजॉय करो। तो अब टाइम है जी अनमोल के सोने का, क्योंकि रात हो चुकी है। आज सारा दिन अनमोल ने बहुत इंजॉय किया है ना, किया ना इंजॉय सारा दिन। कहाँ कहाँ गए? सबसे पहले सुबह हम वहाँ पे गए जो जिसने बुलाया हुआ था, मैं अनमोल को इनवाइट किया था, वहाँ गए। उसके बाद अनमोल फ्राई चिक्स में गई, ओपीटीपी गई, फिर आयत बेबी के साथ खेली टॉयज के साथ, है ना। बहुत इंजॉय किया सारा दिन अनमोल को। मजा आया कितना ज्यादा? बनमोल हैप्पी है ना? अब तो नहीं कहेगी मैंने यहाँ जाना, मैंने वहाँ जाना, इतने दिन से कह रही थी। चल फिर जाओगी। चलो सही है। तो इधर ही हम अपनी आज की वीडियो का एंड कर देते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। और अगर आप लोगों ने अपने बच्चों को एडमिशन वगैरह करवाना है तो जहाँ पे मैंने आपको सब कुछ बताया वहाँ पे आप लोग करवा सकते हैं। तो बहुत जल्द अनमोल का एडमिशन भी होगा वहाँ पर। और कमेंट्स में लाजमी बताइएगा आज की वीडियो कैसी लगी, जो अनमोल से रिलेटेड थी आज की वीडियो, है ना। और मेरा इंस्टा फॉलो करें, ऊपर आईडी नजर आ रहा होगा। और अनमोल का छोलो करें, अनमोल का इंस्टा भी फॉलो कर दें। तो इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।